गाइस, एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है आपका। कैसे अगर आप भी यूज करते हैं Vivo Y सीरीज स्मार्टफोन, जैसे कि Vivo Y11, Y12, Y15, Y17, Y19 स्मार्टफोन, और अगर आप इंतजार कर रहे हैं Funtouch 11 अपडेट का, अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में भी Funtouch 11 अपडेट मिले, तो ऐसे में गाइज आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है। क्योंकि गाइज यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, यहाँ पर बताया गया है कि हो सकता है इन सभी डिवाइसेस में एंड मतलब जो Funtouch 11 का अपडेट है वो नहीं मिले। तो कौन सी लीक निकल के आई है, कौन सा इन्फॉर्मेशन निकल के आया है, उसकी रिगार्डिंग आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप भी इन सभी डिवाइस में कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, हो सके तो आज की वीडियो को इन तक जरूर वीडियो को देखिएगा। हो सकता है आज की वीडियो में आपको पता चल जाए कि क्या आपको अपने मोबाइल में Funtouch 11 का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं। तो हो सके तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा बिना वीडियो को स्किप किए। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीवो के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आए और कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए अब बात करते हैं गाइस अपडेट के, मतलब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है उसके बारे में। तो गाइस यहाँ पर एक बंदे ने वीवो को यहाँ पर मेल करके पूछा था कि क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट दे दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बंदे ने यहाँ पर पूछा था कि विल माई वीवो Y12 गेट Funtouch अपडेट फ्रॉम 9 to 11। तो ये बंदे ने ये पूछा था कि क्या इनके पास Vivo Y12 स्मार्टफोन है, और इन्होंने पूछा था कि क्या मेरे Vivo Y12 डिवाइस में Funtouch 9 से Funtouch 11 मतलब Funtouch 11 का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं Vivo ने यहाँ पर रिप्लाई करते हुए ये कहा कि डियर सोएब, ग्रीटिंग फ्रॉम Vivo, Funtouch 11 विल नॉट बी अपडेटेड इन दिस फोन बिकॉज इट इज़ वेरी डिफरेंट then the Funtouch 9 version. It is near to Google native system, so many of the application are not available in this. Hope for your understanding. तो गाइज यहाँ पर Vivo ने यहाँ पर साफ साफ बताया है कि जो Android 9 है और जो Android 11 है, पहली बात मैं अभी आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका मोबाइल अभी Funtouch 9 पे वर्क कर रहा है, और जो Funtouch 11 है इसके बीच में जो गैप है बहुत बड़ा गैप है, मतलब इसके बीच में जो चेंजेस है, Funtouch एक थोड़ा नॉर्मल सा OS है, ठीक है, और जो Funtouch 11 है वो थोड़ा यहाँ पर इन्हांस OS है। तो ऐसे में इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। इन्होंने यही कहा है कि यहाँ पर बहुत डिफरेंस है दोनों OS में, तो आपके मोबाइल को मतलब कि Vivo Y12 को Funtouch 11 का अपडेट नहीं मिलेगा। और इन्होंने ये भी बताया कि कुछ कुछ ऐसे नेटिव ऐप हैं, आपने देखा होगा आपके मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप रहते हैं जो लाइक बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी के ऐप रहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आपके मोबाइल में मतलब वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे में हो सकता है, मतलब यहाँ पर तो इन्होंने डायरेक्टली बताया है कि Funtouch 11 का अपडेट नहीं मिलेगा। अब गाइस बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई Vivo Y12 में नहीं मिलेगा तो आपने ये क्यों बोला कि Vivo Y11, Y15, Y17, Y19 को क्यों नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी अपडेट आता है, जैसे कि अगर Vivo Y12 में अपडेट आएगा तभी इन चारों और फोन में आएगा, अगर नहीं आएगा Y12 में तो इन चारों डिवाइस में भी नहीं आएगा। इन शॉर्ट बता देता हूँ कि अगर Vivo Y12 में Funtouch 11 आता है तो और भी जो डिवाइसेस हैं जैसे कि Vivo Y11, Y15, Y17, Y19 इन सभी में भी आएगा, और अगर बाई चांस Vivo Y12 में Funtouch 11 नहीं आता है तो इन चारों डिवाइस में भी नहीं आएगा। मतलब कि अगर आता है तो पांचों डिवाइस में आएगा, अगर नहीं आएगा तो पांचों डिवाइस में नहीं आएगा। उसके बाद गाइस बहुत लोग सोचते हैं कि क्या जो मतलब, अब देखिए गाइस ऐसा नहीं है कि ये कन्फर्म न्यूज़ है, ठीक है, अब Vivo ने बताया है लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, Vivo के अलग अलग टीम्स होते हैं जो अपडेट मतलब जो यहाँ पर अपडेट बनाता है, अपडेट पे जो वर्क करता है वो इनका R&D टीम होता है, और ये जो रिप्लाई करते हैं, जो कमेंट करते हैं, ये अलग टीम है, ये है सपोर्ट टीम। मतलब Vivo के अलग अलग टीम होते हैं, डिजाइनिंग टीम होता है अलग, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर टीम होता है, तो जो R&D टीम है वो अपडेट पे वर्क करता है और जो सपोर्ट टीम है वो रिप्लाई वगैरह करता है। तो ऐसे में जो R&D टीम है वो कई बार कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन सपोर्ट टीम को नहीं देता है, तो माइट भी हो सकता है कि Funtouch, ऐसा कंफर्म नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है ऐसे। तो पहली बात Vivo ने बता दिया कि Vivo Y12 में Funtouch 11 नहीं मिलेगा, बट अगर मिलता भी है तो हो सकता है कि मतलब यहाँ पर Vivo Y12 में कुछ अगर चांसेस हो, क्योंकि आपने देखा था कि Android 9 से अगर Android 11 पे दिया जा सकता है तो माइट भी हो सकता है कि Funtouch 9 से Funtouch 11 पे दिया जाए, बट अभी जो इन्फॉर्मेशन ये है कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपके पास दो ही रास्ता है,
पहली बात तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बहुत लोग यहाँ पर हड़बड़ा जाते हैं भाई मिलेगा, बहुत लोग कमेंट करते हैं नीचे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई मैंने आपको बताया है कि अभी कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, तो ऐसे में आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, कम से कम एक दो महीने का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद कुछ ना कुछ कन्फर्म न्यूज़ वीवो की तरफ से रोल आउट किया जाएगा, तब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कन्फर्म में मिलेगा कि नहीं। लेकिन अभी हो सकता है नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पर वीवो ने बताया है, तो हो सकता है नहीं मिले। दूसरा चीज़ ये कीजिए कि आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो हमारी वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो गाइज यही बैड न्यूज़ था वीवो के इन सभी डिवाइसेस में, हो सकता है गाइज इन सभी डिवाइसेस में फंटच ओएस 11 का अपडेट ना मिले। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, z1 के सीरीज हैं, z सीरीज हैं, वी सीरीज है, उनके रिगार्डिंग भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फंटच ओएस 11 के रिगार्डिंग कंफर्म न्यूज़ चाहते हो तो थोड़ा इंतज़ार करो, बहुत जल्द हमारे चैनल पे जो कंफर्म न्यूज़ जैसे ही रोल आउट किया जाएगा वीवो की तरफ से, कोई भी इन्फॉर्मेशन लाया जाएगा, मैं आप लोगों को अपडेटेड करते रहूँगा। तो हो सके तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके चैनल को। तो मिलते हैं गाइस हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।